जहाँ पे ये बात हुई थी कि माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड होता है वॉइड अबिनिश होता है इनफैक्ट तो जब भी वॉइड अबिनिश के बारे में बात आएगी या उस केस से रिलेटेड सेम फैक्ट्स आएंगे तो आपको केस का नाम मेंशन करना पड़ेगा नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स करेक्ट होते हैं राइट तो आज के वीडियो में आपकी वो मार्क्स मास्क ना हो उन्हीं चीजों पे हम वर्क करने वाले हैं तो ट्वेंटी फाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉज हम लोग भी है वो है कार्ल वर्सेज कार्बोलिक्स मकबल कंपनी उन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट में जनरल ऑफर का जो रूल है ना वो इसी केस लॉ से निकल के आया था हुआ क्या था इस केस लॉ में कि एक बार ना इन्फ्लुएंजा फैला था जैसे अभी कोविड आया था तो ऐसे ही कभी इन्फ्लुएंजा आया था तो इन्फ्लुएंजा के टाइम पे एक कंपनी ने क्या किया मेडिसिन बनाई इन्फ्लुएंजा की कंपनी ने मेडिसिन बनाई इन्फ्लुएंजा की और एक एडवर्टीजमेंट निकाली कि जो भी हमारी मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और अगर हो गया तो हम उसे रिवॉर्ड देंगे हंड्रेड पाउंड का ऐसा कंपनी ने एडवर्टीजमेंट निकाली मेडिसिन का नाम था स्मोक बोल कंपनी का नाम था कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी ठीक है तो उसने निकाली थी एक लेडी थी मिस कार्लिल उन्होंने देखी और के बेसिस पे में बताया था वैसे वैसे को किया। उनको इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया तो वो रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए इस कंपनी के ऑफिस में चले गई कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी के ऑफिस में तो कार्बोलिक स्मोक बोल ने कहा कि हमने तो आपको बोला ही नहीं था आप मेडिसिन कंज्यूम करो हमने तो एडवर्टीजमेंट दी थी न्यूज़पेपर में तब कोर्ट ने कहा कि जो न्यूज़पेपर में आप एडवर्टिजमेंट देते हो और रिवॉर्ड अनाउंस करते हो तो ये जनरल ऑफर होता है जो भी पर्सन आपकी कंडीशन को पूरी करता है तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर पाता है इन दिस केस कार्लिल ने सारी कंडीशन पूरी की थी तो एक तरीके से कार्लिल ने कंपनी का जनरल ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था और अब कार्लिल को हंड्रेड पाउंड का रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो बेसिकली जो जनरल ऑफर का रूल है जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कंडीशंस परफॉर्म कर ले जो भी ऑफर में लिखी है तो उसे हम एक्सेप्टेंस मान लेते हैं ये कारोल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबल कंपनी से आपका आया था आइए देखते हैं दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोकबल कंपनी ने एडवर्टिजमेंट दी थी न्यूज कि में पाउंड का रिवॉर्ड देंगे person, जिसको भी इन्फ्लुएंजा होगा हमारे स्मोकबल यूज करने के बाद एक, का, जो करनी एक दिन एक लेडी थी मिस कार्ल उन्होंने जैसा जैसा बताया था वैसे ही स्मोक बॉल यूज किया और स्टिल उनको इन्फ्लुएंजा हो गया तो डिसाइड किया गया कि वो अपना जो अमाउंट है हंड्रेड पाउंड का वो रिकवर कर सकती है क्योंकि जो कंपनी ने ऑफर दिया था वो जनरल ऑफर था राइट सेक्शन एट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी अगर ऑफर की कंडीशंस को पूरी करता है उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है जब तक जनरल ऑफर वापस नहीं लिया जाता तब तक कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि वो लगातार चलता जाता है रहता है क्लियर तो यहां पे कार्लिल ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया था कंपनी और कार्लिल के बीच में कार्लिल कैन क्लेम रिवॉर्ड अब एक चीज मुझे देखो आप एक चीज बताओ यहाँ पे दो नाम लिखे हैं कार्लिल और कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी क्या इनका कोई स्पेसिफिक नाम होता है लीगल नहीं होता है यह हम बोलेंगे पहला पर्सन पर्सन है कि दूसरा है दूसरा ऐसा बोलते हैं जनरली है, वो होता है डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस किया जाता है जैसे यहाँ पे कंपनी पे केस किया प्लेटिव एंड कंपनी वॉज दी डिफेंडेंट क्लियर चलिए नेक्स्ट केस है हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था? एक आपके लालमन शुक्ला थे और एक थे गौरी दत्त लालमन शुक्ला थे वो सर्वेंट थे और गौरी दत्त जो थे वो मालिक थे ठीक है गौरी दत्त का नेफ्यू गुम हो जाता है नेफ्यू लॉस्ट हो जाता है बहुत ढूंढते हैं वो फिर भी नहीं मिलता है तो वो लालमन शुक्ला को भेजते हैं कि जाओ नेफ्यू को बाहर गांव के बाहर ढूंढ के आओ और जब लालमन शुक्ला नेफ्यू को ढूंढने गाँव के बाहर जाता है तब गौरी रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा लालमन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता बेटा ये वो जमाना है जब व्हाट्सएप फोन ये सब नहीं होते थे तो लालमन शुक्ला गांव से बाहर गए तो उनका किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है उनको इस रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता वो बच्चे को ढूंढ के वापस लेके आते हैं जब वो बच्चे को वापस लेके आते हैं तो लालमन को कोई बता देता है कि रिवॉर्ड अनाउंस किया था

लालमन ने बच्चे को ढूंढ लिया लेकिन उसे इस अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता था बाद में उसे अनाउंसमेंट के बारे में पता लगता है तो वो क्लेम करना चाहता है डिसाइड ये हुआ था कि उसे कोई कोई सॉरी उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि उसे ऑफर ही नहीं पता था सेक्शन फोर कहता है कि ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है जब वो ऑफर री को पता लग जाता है तो यहाँ लालमन को ऑफर पता ही नहीं चला जब लालमन को ऑफर पता ही नहीं चला तो वो वैलिड ऑफर ही नहीं है जब वैलिड ऑफर ही नहीं है तो बच्चे को ढूंढ के लाना भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो इन दिस केस इन दिस केस दिन डिफेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम घर से भाग गया था सर्वेंट वो ढूंढने गया था बच्चे को और बच्चे को जब वो ढूंढने गया था तो पीछे से रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था उसे रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब वो रिवॉर्ड के बारे में उसे पता लगता है तब वो रिवॉर्ड मांगने के लिए जाता है और सू कर देता है अपने मालिक को ये डिसाइड किया गया था क्योंकि प्लेंटिफ को ऑफर के बारे में नहीं पता था तो बच्चे को ढूंढ के लाना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा और वो रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता क्लियर है सेकेंड केस लालमन शुक्ला वर्सेज गौरी दत्त मूव करते हैं अपने नेक्स्ट केस पे केस नंबर थ्री आपको ये नाम याद रखने हैं और क्या होता है जब भी या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपका इससे रिलेटेड इस पॉइंट से रिलेटेड या फिर जब भी ऐसी सिमिलर सिचुएशन आएगी कि किसी का बच्चा गुम हो गया उसने अपने नौकर को भेजा और फिर बच्चे के गुम होने पर मिलने पे रिवॉर्ड अनाउंस किया तो आप लालमन शुक्ला वर्सेज गौरीद मेंशन करोगे करोगे प्रोविजन वाले पैराग्राफ के नीचे क्लियर आइए नेक्स्ट है आपका बोल्टन वर्सेस जॉन्स ये आपका स्पेसिफिक ऑफर पे बेस्ड है स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन ओनली जिसको ऑफर दिया है वो ही एक्सेप्ट करेगा ए ने बी को ऑफर दिया है तो बी एक्सेप्ट कर सकता है सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये बात कहाँ डिसाइड हुई थी बोल्टन वर्सेस जॉन्स में बोल्टन वर्सेस जॉन्स में हुआ क्या था कि बोल्टन ने ना जो ब्रोकल हाउस एक पर्सन था उसका बिजनेस ले लिया था आइए देखते हैं समझते हैं एक्चुअली ना बोल्टन ने ब्रोकर हर्स्ट का ना पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया था एक जो था जो ब्रोकर हर्स के साथ डीलिंग किया करता था उसे यह बात नहीं पता थी कि का बिजनेस बोल्टन ने खरीद लिया उसे ना पहले ब्रोकर हर्स से पैसे लेने थे तो इस हिसाब किताब को सेटल करने के लिए उसने एक ऑर्डर दिया कि भाई अब ब्रोकर हर्स्ट पैसे नहीं दे रहा एक काम करता हूँ उनसे सामान मंगवा लेता हूँ अब ब्रोकर हर्स का पूरा बिजनेस तो बोल्टन के पास चला गया तो जो वो ऑर्डर लेटर था वो भी बोल्टन के पास चला गया बोल्टन ने ऑर्डर लेटर देखा और उस ऑर्डर लेटर के बेसिस पे गुड्स सप्लाई कर दिए टू क्लियर अब बोल्टन ने गुड्स सप्लाई कर दिए को और अब उसने जो से पैसे मांगे कि जोन्स भाई पैसे दो बोल्टन ने कहा जोम्स ने कहा अरे आप कौन हो भाई मैं तो आपको जानता ही नहीं तो बोल्टन ने कहा अरे आपको जो गुड्स सप्लाई करे हैं ना वो मैंने ही सप्लाई करे हैं जोम्स ने कहा मैंने तो ये ऑर्डर दिया था ब्रोकर लस्ट को मेरा ऑफर तो ब्रोकर हर्स के लिए था तो बोल्टन ने कहा अरे मैंने उनका बिजनेस खरीद लिया ना तो इसलिए मैंने आपको सामान सप्लाई कर दिया जोन्स ने कहा देखो मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया था ब्रोकर हाउस के नाम पे आपने ऐसे कैसे एक्सेप्ट एकसे कर लिया उसको मुझे तो ब्रोकर हाउस के साथ ही डील करना था तो लड़ते लड़ते ये लोग कोर्ट में गए तो बोल्टन ने कहा जद साहब जोन से मेरे पैसे दिलवाओ तो बोल्टन ने केस करा जोन्स पे इसलिए केस का नाम है बोल्टन वर्सेज जोन्स तो जज साहब ने बोला बोल्टन आपने गलत किया है जोन्स ने को ऑर्डर दिया था तो जोन्स का ऑफर सिर्फ ब्रोकर हॉस्ट के लिए था स्पेसिफिक ऑफर था ही एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकते थे आपने करा करा गलत करा, राइट स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया है कोई और एक्सेप्ट करता है तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है आपने सामान सप्लाई कर दिया लेकिन आपके और जोन्स के बीच में कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा तो आप जोन्स से कानूनी तौर पर पैसा रिकवर नहीं कर सकते राइट right. तो इससे हमें पता चला भाई जिसको ऑफर दिया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है कोई और एक्सेप्ट करता है तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है फिर पार्टीज के बीच में क्लियर है आइए देखते हैं तो हुआ क्या है बोल्टन ने बिजनेस ले लिया ब्रोकर हर्स्ट का जिसके साथ जोन्स का कुछ हिसाब किताब था जोन्स ने ऑर्डर भेजा ब्रोकर हर्स्ट को जो बोल्टन ने सप्लाई कर दिया है और ये बात जोन्स को नहीं बताई है कि बिजनेस का अब हैंड चेंज हो गए हैं मतलब अब ब्रोकर हर्स्ट का बिजनेस मैंने ले लिया जब जॉन्स को पता लगता है कि गुड्स हैड नॉट कम फ्रॉम ब्रोकर हर्ज गुड्स ब्रोकर हर्ज ने नहीं, नहीं बुलटन ने दिया है तो वो पेमेंट करने से मना कर देता है और बुलटन स्यू करता है प्राइस के लिए तो कोर्ट ने बोला कि जॉन्स पेमेंट के लिए बिल्कुल भी अलाइबल नहीं है क्योंकि लॉ का रूल है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया गया है तो सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है तो अगर ब्रोकर हर्स्ट को ऑर्डर दिया था ब्रोकर हर्स्ट को ऑफर दिया था तो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता था बुलटन ने एक्सेप्ट किया है तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है क्लियर है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट केस लॉ पे केस लॉ नंबर फोर वो है आपका हार्वे वर्सेस फैसे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये अब बहुत इजी है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हार्वे वर्सेस फैसे कहता है कि अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है और आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया है तो क्वेश्चन का आंसर देना कोई ऑफर नहीं होता सपोज मुझे आपका एक पेन बहुत अच्छा लगा मैंने आपसे पूछा कि ये पेन कितने का है आपने बोला फाइव हंड्रेड रुपीज का मैम बहुत अच्छा है मैंने बोला ठीक है मैं खरीद रही हूँ तो एक बात बताओ आपने तो मुझे पेन का जस्ट प्राइस बताया है। क्या वो ऑफर था मेरे लिए जी नहीं समझ रहे आप तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करना इज नॉट एन ऑफर क्लियर आई इन द गिवन केस द टेफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क द डिफेंडेंट टू क्वेश्चन आपको पता है हार्वे ने फेसे से दो क्वेश्चन पूछे हार्वे ने पहला क्वेश्चन पूछा क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे बम्पर हॉल पेन बेचोगे और अगर बेचोगे तो टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस उसने ये लिखा टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस। अब क्या हुआ फैसे ने ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया सेकंड क्वेश्चन के आंसर में सीधा उसने 900 हंड्रेड पाउंड लिख के भेज दिए क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे इसका कोई रिप्लाई नहीं किया सिर्फ लोएस्ट प्राइस लिख के भेज दिया तो हार्वे को लगा कि फैसे ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है तो हार्वे ने बोला ठीक है मुझे ना आप पेन भेज दो नाइन पाउंड में आपको देता हूँ तो फैसे ने बोला अरे नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ आपको प्राइस बताया है, मुझे आपको सामान बेचना नहीं है क्लियर तो इसके तो हार्वे ने क्या किया हार्वे ने ना कोर्ट हार्वे कोर्ट में चला गया हार्वे ने बोला जज साहब मैंने ऑफर दिया था कि क्या तुम पेन बेचोगे ठीक है और मैंने ना प्राइस भी पूछा था उसने प्राइस का रिप्लाई कर दिया तो जज साहब तो एक्सेप्टेंस हो गई ना तो जज साहब ने बोला जी नहीं आपने उस, सिर्फ प्राइस का आंसर आपको मिला है सिर्फ उसने लोएस्ट प्राइस आपको बताया है तो प्राइस की इंक्वायरी करना इज नॉट एन ऑफर और प्राइस की इंक्वायरी के लिए सामने वाले ने आंसर किया है दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनाए हैं हार्डवेयर और फैसे के बीच में तो फेसे की कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपको सामान सप्लाई करे क्लियर तो यहाँ डिफेंडेंट तो प्लेटिफ ने डिफेंडेंट से दो क्वेश्चन पूछे थे क्या तुम बपर हॉलपन बेचोगे और दूसरा लोएस्ट कैश प्राइस मुझे बता दो डिफेंडेंट ने रिप्लाई कर दिया कि लोएस्ट प्राइस है नाइन हंड्रेड पाउंड टेलीग्राम भेजा कि ठीक है हम नाइन हंड्रेड पाउंड में ये खरीदना चाहते हैं फैसे ने बोला नहीं नहीं मुझे ना ये बेचना नहीं है तो हार्वे ने कहा अरे आपने अभी तो मुझे ऑफर दिया नाइन हंड्रेड पाउंड का मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ठीक है तो हा, हा डिफेंडर ने बोला कि दे हैड नॉट मेड एन ऑफर सो देयरफॉर दे आर नॉट बाउंड बाय द ऑफर वो कह रहे हैं कि हमने ऑफर नहीं किया था ये आपको आपने तो प्राइस पूछा हमने आपको बता दिया फैसे द डिफेंडेंट हार्वे ने फैसे से प्राइस पूछा फैसे ने बता दिया तो क्या फैसे ने कोई ऑफर दिया है जी नहीं फैसे ने इनविटेशन टू ऑफर दिया है फैसे ने सिर्फ प्राइस बताया है अब हार्वे की मर्जी है अगर हार्वे बोलेगा कि ठीक है अगर तुम बेचना चाहते हो तो मैं ये 900 में खरीदना चाहूंगा फिर फैसे चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्लियर तो जस्ट प्राइस बताना ऑफर करना नहीं होता है आप इन्विटेशन टू ऑफर कर रहे हो ऑफर नहीं कर रहे हो क्लियर तो डिसाइड क्या किया गया कि जस्ट स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस जिस पे एक वेंडर सामान बेचना चाहेगा वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना देता है जिस पर्सन ने इंक्वायरी किया हमने सिर्फ उसके क्वेश्चन का आंसर किया है मियर आंसर टू अ क्वेश्चन राइट इज नॉट एन ऑफ नेक्स्ट केस है बच्चों फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेज बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड आपने बहुत बार एक क्वेश्चन देखा होगा क्वेश्चन आता है कि शॉपकीपर ने गुड्स डिस्प्ले करे हैं ठीक है तो अगर शॉपकीपर ने गुड्स डिस्प्ले करे हैं और कोई पर्सन आता है और उनमें से कोई गुड्स सेलेक्ट करके काउंटर पे लेके जाता है तो क्या शॉपकीपर गुड्स को देने से मना कर सकता है द आंसर इज यस क्योंकि जो गुड्स डिस्प्लेड होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं राइट right? जब उसमें से कोई कस्टमर गुड्स को सेलेक्ट करके काउंटर पे लेके जाता है तो वो काउंटर वाले को ऑफर करता है तो अब काउंटर वाले की मर्जी है शॉप वाले की मर्जी है वो चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट ना करे ठीक है तो ये केस, ये केस इसका जो लीडिंग केस लॉ है वो है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड इसी में चीज डिसाइड करी गई थी कि गुड्स को जो हम डिस्प्ले करते हैं वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर होता है राइट right? आइए देखते हैं फैक्ट ऑफ द केस द गुड्स वर डिस्प्लेड इन द शॉप फॉर सेल विद प्राइस टैग अटैच टू ईच आर्टिकल और सेल्फ सर्विस सिस्टम था सेल्फ सर्विस सिस्टम मतलब खुद आपको सामान लेके जाना है काउंटर पे

रिजेक्ट मतलब उस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब शॉपकीपर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो अभी तक आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अब तो कस्टमर का कोई राइट right नहीं है कि वो शॉप शॉप के के ओनर ओनर को स्यू करे क्योंकि के का पूरा पूरा राइट right था कि वो ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है क्लियर तो बेसिकली जो गुड्स डिस्प्ले होते हैं वो इनविटेशन टू ऑफर होते हैं ये लिखा आपका फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेज बूट्स कैश केमस्ट लिमिटेड में राइट right? मूव करते हैं नेक्स्ट केस लो केसलो नंबर सिक्स हाउस वर्सेज बिंडले बहुत अच्छा केस केसलो है यहाँ पे बात करते हैं हम कि साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस अगर एक पर्सन साइलेंट रहता है तो वह एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता इसमें क्या हुआ था फेल्ट हाउस और बिंडले फेल्ट हाउस थे फेल्ट हाउस का एक नेफ्यू था बिंडले नेफ्यू नहीं था ध्यान रखेंगे फेल्ट हाउस ने अपने नेफ्यू को बोला कि तुम जो ये हॉर्स बेचना चाहते हो ये मैं खरीदूंगा ठीक है इसको ऑक्शन मत करना नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं दिया नेफ्यू साइलेंट रहता है पर वो अपने ऑक्शनियर को बोल देता है है कि भाई ये जो है ये जो हॉर्स ना अंकल के लिए अलग से रख देना बिंडले भूल जाता है और हॉर्स का ऑक्शन कर देता है फेल्ट हाउस नाराज होकर डायरेक्टली बिंडले पे केस कर देता है कि तुमने मेरा वाला हॉर्स कैसे बेचा वो हॉर्स तो मेरा हो चुका था मैंने नेफ्यू को बोला था कि हॉर्स में खरीदूंगा साथ के साथ अंकल ने नेफ्यू को ये भी बोला था कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला कुछ रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स मेरा ही है तो अंकल को लगा कि नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं किया तो हॉर्स तो मेरा हो गया तो वो बिंडले को स्यू कर देते हैं कि ये हॉर्स मेरा था तुमने कैसे बेचा तो कोर्ट ने कहा कि जब आपके नेफ्यू साइलेंट रहा तो साइलेंट तो एक्सेप्टेंस नहीं होता तो आपके नेफ्यू ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है हॉर्स आपका नहीं होगा और बिंडले ने अगर हॉर्स का ऑक्शन कर दिया तो ये ऑक्शन करेक्ट है आप बिंडले को कुछ नहीं कह सकते बिंडले से कोई कॉम्पनसेशन या हॉर्स रिकवर नहीं कर सकते सिंपल आइए एफ मतलब फेल्ट हाउस फेल्ट हाउस ने ऑफर किया है बाय लेटर अपने नेफ्यू को कि अगर मैंने तुमसे कुछ रिप्लाई नहीं सुना है तो मैं मानूंगा कि हॉर्स मेरा है नेफ्यू ने रिप्लाई नहीं किया पर अपने ऑक्शनर को बोला कि इस हॉर्स को मत बेचना क्योंकि अंकल को मैं ये बेच चुका हूँ बाय मिस्टेक गलती से ऑक्शनर ने हॉर्स को बेच दिया एफ ने अपने नेफ्यू को नहीं स्यू किया एक्चुअली एफ ने अपने ऑक्शनियर को स्यू किया नेफ्यू के ऑक्शनियर को तो डिसाइड ये हुआ कि एफ सक्सीड नहीं हो पाएगा क्योंकि नेफ्यू ने कॉम्युनिकेट ही नहीं किया था एक्सेप्टेंस को और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था क्योंकि साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कॉम्युनिकेटेड दोनों पॉइंट आप यहां पे लिख दोगे राइट right? तो अगर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस बस में कम्युनिकेटेड का पॉइंट आता है तो आप फेल्ट हाउस वर्सेज बंडले का केस लॉ कर दोगे आपको पूरी स्टोरी वहां पे नहीं लिखनी होती तो मैम आप स्टोरी क्यों समझा रहे हो बेटा अगर ये सिमिलर सिचुएशन वहां पे क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपको फटाफट से पता चल जाए कि अरे तो फेल्ट हाउस वर्सेज बंडले वाला केस है क्लियर चलिए नेक्स्ट केस लॉ बच्चों आपका नील वर्सेज मेरिट नील वर्सेज मेरिट में हमने बात करी है कि भाई आपने अगर कोई भी एक्सेप्टेंस देते टाइम कंडीशन लगाई है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है राइट देखो क्या लिखा है एम ने अपनी लैंड सेल करने का ऑफर दिया है एन को एन को बोला है क्या तुम लैंड खरीदोगे टू एट्टी पाउंड का एन ने रिप्लाई में क्या बोला कि मैं चेक एन ने रिप्लाई में ओके okay बोल दिया साथ में एट्टी पाउंड का तो उसने चेक लगा दिया और बोला कि बाकी के टू हंड्रेड इंस्टॉलमेंट में दूंगा तो एन ने एक्सेप्टेंस करते वक्त खुद अपनी कुछ कंडीशंस लगा दी तो ये एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा एम और एम के बीच में ठीक है ये काउंटर ऑफर बन जाता है अगर एक्सेप्टेंस करते टाइम आप कोई कंडीशन लगा देते हो तो वो काउंटर ऑफर बनता है एन ने अब जो ये ऑफर दिया है एम की मर्जी है वो एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता एम चाहे तो मना कर सकता है कि नहीं इस शर्त शब्द मैं आपको लैंड सेल नहीं कर रहा क्लियर तो नील वर्सिस मेरिट फैक्ट ऑफ द केस के एम ने ऑफर किया है लैंड को कि मैं एन को की लैंड uh, uh, बेचना चाहता हूँ ट्वेटी पाउंड का एन ने रिप्लाई किया है कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर, ले, कर लेता हूँ लेकिन साथ में एक चेक लगाया है उसने एट्टी पाउंड का और बोला है कि बाकी के दो सौ पाउंड मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा पचास पचास पाउंड की डिसाइड यह किया गया कि एन एनफोर्स नहीं कर सकता अपने एक्सेप्टेंस को क्योंकि वो अनक्वालिफाइड नहीं थी राइट नॉट एन अनक्वालिफाइड आपने पढ़ा एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड राइट एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड तो अनक्वालिफाइड नहीं थी मतलब अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड मींस अनकंडीशनल क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल नहीं थी इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी क्लियर है चलिए नेक्स्ट केस है आपका ब्रॉजन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी इसमें भी हमने ये डिसाइड किया था मतलब इसमें भी कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई या को, तो वो नहीं होती है तो ब्रॉजन ने मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को एक ऑफर दिया था कि मैं कोल सप्लाई करना चाहता हूँ मेट्रोपॉलिटन कंपनी के मैनेजर ने उस ऑफर को देखा और उस पर एक्सेप्टेंस की स्टैंप लगा दी पर बाद में वो ऑफर अपने ड्रॉर में रख के भूल गया वो लेटर मतलब अपने ड्रॉर में रख के भूल गया मतलब तक इस बात की कोई कम्युनिकेशन नहीं पहुंची थी कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है ठीक है अब ब्रोजन मेट्रो वाली मेट्रो कंपनी पे जो मेट्रोपोलिटन रेलवे कंपनी है उसको सीव करते हैं उसको बोलते हैं कि भाई तुमने साइलेंट रह मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है अब ब्रॉजन ने ना थोड़ा कोल भी सप्लाई कर दिया था मेट्रो कंपनी को मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को तो ब्रॉजन कह रहा था मेरे को मेरा पैसा दो क्योंकि तुमने तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था तो ब्रॉजन कोर्ट में जाता है तो जज साहब कहते हैं कि नहीं मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने तो आपको ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट ही नहीं की थी ब्रॉजन जब आपको ये पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि नहीं करा तो आपने कोल कैसे सप्लाई कर दिया क्लियर तो अगर एक्सेप्टेंस कॉम्युनिकेट नहीं होती है तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती तो ब्रॉजन है सप्लायर है किसके कोल के उन्होंने अग्रीमेंट भेजा है सप्लाई ऑफ कोल्स से रिलेटेड रेलवे कंपनी के मैनेजर को मेट्रोपोलिटन रेलवे के मैनेजर को एक्सेप्टेंस के लिए मैनेजर अप्रूव लिख देता है एक्सेप्ट कर लेता है पर अपने ड्रॉर में उस अग्रीमेंट को रख के भूल जाता है ठीक है बाय एन ओवर साइड बाई दाइड मतलब भूल गया उसके दिमाग से निकल गया ड्राफ्ट जो है वो ड्रॉर में ही रह जाता है तो डिसाइड ये किया गया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है ब्रॉजन और मेट्रोपोलिटन के बीच में राइट क्यों क्योंकि एक्सेप्टेंस कॉम्युनिकेट नहीं हुई क्लियर है मूव करते हैं नेक्स्ट पे पॉइंट नंबर नाइन दस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड लेडी थी उन्होंने अपनी डॉटर रमाया को रमाया को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी ठीक है और रमाया को बोला कि अपने अंकल को अंकल जिनका नाम चिन्नया है उनको आपको कुछ अमाउंट पे कर रहा होगा अमाउंट पे करूंगी और चिन्ना वजदीप प्रोमिस क्योंकि चिन्नया सॉरी क्योंकि चिन्नया को प्रोमिस किया गया था बाद में ओल्ड लेडी की डेथ हो जाती है और रामया कहती है नहीं मैं अमाउंट नहीं दे रही क्योंकि चिन्नया से मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा भाई जिन तो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट होता है तो दोनों पार्टी को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना तो मुझे तो चेन्नई से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैं पेमेंट भी नहीं करूंगी तो जज साहब ने कहा कि कंसिडरेशन तो ही दे या कोई बाहर का बंदा दे दोनों वैलिड है तो चिन्नया ने कंसिडरेशन नहीं दिया पर ओल्ड लेडी ने तो आपको प्रॉपर्टी दी थी ना कंसिडरेशन में तो वैलिड कंसिडरेशन है आप इस बात से रमैया इनकार नहीं कर सकते कि भाई चिन्नया ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी एनुअल पेमेंट नहीं दूंगा नहीं दूंगी राइट तो आपको एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको कंसिडरेशन मिला है क्लियर तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अदर पर्सन। इसका लीडिंग केस लॉ है चेन्ना वर्सेज रमाया तो ओल्ड लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है डॉटर को और डायरेक्शन दिए कि भाई कुछ अमाउंट पे करना है मेटर्नल अंकल को बाय वे ऑफ एनिमिटी मतलब एनुअल पेमेंट सेम डे पे डॉटर ने एक अग्रीमेंट लिख दिया है अंकल के नाम पे और बोला है कि ठीक है मैं पेमेंट करूंगी पर अंकल बाद में पेमेंट नहीं करती और आ, पर डॉक्टर बाद में पेमेंट नहीं करती और जिन अंकल स्यू कर देते हैं तो कोर्ट कहता है कि भैया जिन आपको सफिशिएंट कंसिडरेशन मिला है ओल्ड लेडी से जो प्रॉपर्टी मिली है क्योंकि कंसिड्रेशन तो कहीं से भी आ सकता है कंसिड्रेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन तो आपको चिन्नया से कंसिडरेशन नहीं मिला है लेकिन अपनी मदर से कंसिडरेशन मिला है वो वैलिड कंसिडरेशन है सफिशियंट कंसिडरेशन है तो अब आपको अपने अंकल को अमाउंट पे करना पड़ेगा क्लियर है टेंथ केस लॉ पेन्थ केस लॉ आपका मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट माइनर का लीडिंग केस लॉ है कि माइनर बिल्कुल भी लाइबल नहीं होता है माइनर के साथ सारे अग्रीमेंट वॉइड एन होते हैं ये इसी केस लॉ से डिसाइड हुआ था हुआ क्या था कि एक माइनर था धर्मोदास घोष ठीक है माइनर वॉज धर्मोदास घोष उन्होंने ना मोहिरी बीबी से लोन लिया और बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी जब मोहिरी बीबी ने अपने लोन के पैसे मांगे तो माइनर ने बोला मैं तो माइनर हूं मेरे साथ तो अग्रीमेंट आपका वॉइड है अब माइनर ने यहाँ पे करी चला के क्योंकि माइनर जब मेजर हो जाता है मेजर हो जाता है तो वो मुहिरी बीबी को करता है फ्यू बोलता है कि तुमने जो मेरी प्रॉपर्टी गिरवी वॉयड है क्योंकि मैं तो माइनर था मेरे साथ जो तुमने ट्रांजेक्शन करा है वो तो वॉइड है कम्पलीटली तो मुहिरी बीबी कोर्ट में जाती है कि देखो जत साहब ये क्या कह रहा है जत साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहा है आपने माइनर के साथ जो अग्रीमेंट किया है, वो कम्पलीटली वॉइड है तो आपने जो प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखी है वॉइड है प्रॉपर्टी लौटाओ

डिसाइड ये हुआ कि मॉडगेज वॉइड है और बी को ना तो रीपेमेंट मिलेगा और ना ही प्रॉपर्टी पे को राइट मिलेगा क्लियर है चलिए मूव करते हैं इलेवेंथ केस लॉ पे वर्ड वर्सेस ऑफ छोटा सा केस लॉ है यहाँ पे बोला गया है कि साइलेंस फ्रॉड नहीं होता साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड हुआ क्या था कि हॉब्स ने कुछ पिग्स बेचे थे वर्ड को राइट right? अब वो पिग्स जब पता था हॉब्स को कि इनको फीवर है पिक्स को फीवर था फिर भी उसने वर्ड को वो सारे बेच दिए हॉब्स ने ये बात वर्ड को नहीं बताई कि पिक्स को फीवर है तो वर्ड ने बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो कोर्ट में गया वो वर्ड तभी तो कोर्ट वर्ड का नाम पहले लिखा है है कि एच ने मेरे साथ हॉब्स ने मेरे साथ धोखा किया है जज साहब ने बोला क्या आपने पिक की हालत पूछी थी नहीं पूछी थी ना तो चुप रहना साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड एच ने आपको पिक्स दे दिए थे आप पिक्स को चेक भी कर सकते थे आप पिक्स से पूछ भी आप H से पूछ भी सकते थे कि पिक्स की तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है तो चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है अपने प्रोडक्ट की कमी सेलर खुद नहीं बताता ठीक है तो एच ने अगर अपने प्रोडक्ट की यानी कि पिक्स की कमी नहीं बताई है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा आपको इंक्वायर करनी चाहिए थी राइट तो एच ने कुछ पिग्स बेचे हैं जो कि उसको पता था कि फीवर से सफर कर रहे हैं पिग्स सारे फॉल्ट के साथ एच को एच ने डब्ल्यू को बेच, बेच दिए और एच ने के बाद डब्ल्यू को नहीं बताई तो डिसाइड किया गया कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है राइट क्योंकि साइलेंस फ्रॉड नहीं माना जाता अनलेस आपकी ड्यूटी हो बोलना या फिर वर्ड ने पूछा होता और फिर भी ने नहीं बताया होता तब साइलेंस फ्रॉड माना जाता राइट नेक्स्ट आपका वर्सेस बैक्सेंडेल इससे आपका ऑर्डिनरी सिचुएशन आता है क्लियर चलिए कब ऑर्डिनरी क्लेम किए जा सकते हैं कब स्पेशल डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं इसके बारे में क्लैरिटी मिलती थी हमें वर्सेस बैक्सेंडेल से हुआ क्या था कि हेडले ने ना हेडले ने बैक्सेंडेल को अपनी कोई मशीनरी थी वो ठीक करने के लिए दी थी मशीनरी रिपेयर करने के लिए दी थी राइट ने बोला था कि दो दिन में मशीन ठीक करके दे दूंगा पर उसको टाइम लग गया और पांच दिन का डिले हो गया टोटल सात दिन बाद उसने मशीन को रिपेयर करके दिया हेडले को हेडले ने बोला कि तुमने डिले करा है तो डिले के लिए तो मुझे कॉम्पनसेशन दो ही साथ के साथ इस मशीन ना होने की वजह से मेरी फैक्ट्री बंद रही है मुझे प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ है तो मुझे प्रॉफिट का भी कॉम्पनसेशन दो तो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे वैक्सीन डेल ने डिले किया है माना तो आप डिले मांग सकते हो ऑर्डिनरी डैमेजेस मांग सकते हो लेकिन कोई स्पेशल डैमेजेस नहीं मांग सकते क्योंकि वैक्सीन डेल को आपने नहीं बताया था कि मशीनरी रिपेयर हो के नहीं आएगी तो प्रॉफिट लूज कर दोगे आप अगर आपने ये बात पहले बताई होती तो आप प्रॉफिट भी क्लेम कर पाते राइट right? तो स्पेशल डैमेजेस स्पेशल बात बताओगे तो ही क्लेम कर पाओगे तो इस सिचुएशन में आप तो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस ही क्लेम कर पाओगे आइए यहाँ पे पी और डी का मतलब है प्लेटिव और डिफेंडेंट पी फॉर प्लेटिव डी फॉर डिफेंडेंट तो द ऑफ फ्लोर मिल हैज ब्रोकन तो फ्लोर मिल का कोई मशीन का पार्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया था उसने डी को डिफेंडेंट को यानी वैक्सीन डिल को दिया ठीक करने के लिए बोला कि और डिलीवर कर देना दो दिन में बेसिकली दो दिन में डिलीवर हो जाएगा तो मिल ने काम करना बंद कर दिया ऑब्वियसली डी ने डिलीव कर दिया डिलीवरी को और पांच दिन तक मिल खाली रही को को मतलब को अपनी जो रिपेयर्ड मशीन का पार्ट है वो मिला सात दिन के बाद राइट right? कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसकी वजह से पी ने डी uh, को केस कर दिया हेडले ने बैक्सिन पे केस कर दिया कि भाई तुमने तो डिले किया है उसके तो चार्जेस मुझे दो ही बल्कि लॉस ऑफ प्रॉफिट भी दो तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि पी को सिर्फ ऑर्डनरी डैमेजेस मिलेंगे सिर्फ आप डिले की वजह से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो पर लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते डिफेंडेंट को लॉस ऑफ प्रॉफिट का पोर्शन नहीं देना है क्योंकि पी ने डी को इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी राइट right? अगर पी ने डी को ये बताया होता कि हाँ अगर डिले करोगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर पाते क्लियर तो ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस का जब भी केस आएगा आप एडली वर्सन वैक्सन नाम लिख देंगे पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है सिर्फ नाम लिखना है राइट चलिए नेक्स्ट है थर्टींथ ट्रिकम दास वर्सेज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग केस है क्वॉजी कॉन्ट्रैक्ट का केस है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप कोई भी अमाउंट बाय कोवर्जन और बाय मिस्टेक पे करते हो कोई धमकी से आपसे कोई पैसा निकलवाता है या चीज निकलवाता है या गलती से आप किसी को कोई चीज या पैसा देते हो तो कोजी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपके उसके बीच में और आप अपना पैसा या चीज रिकवर कर सकते हो ट्रिकम दास एक ट्रे, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे ट्रैम कार चलती थी पहले उसमें ट्रैवल कर रहे थे बिना टिकट के चेकिंग जब हो रही थी तो पता चला कि टिकट नहीं है तिकम दास के पास उस टाइम टिकट ना होना एक ऑफेंस माना जाता था और सीधा जेल में डाल दिया जाता था वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं था कंपाउंडेबल मतलब ऐसा नहीं था कि पैसे ले लो फाइन लगा दो नहीं उस टाइम अगर टिकट नहीं होती थी तो उनका ट्रायल मतलब उन्हें जज साहब के सामने पेश किया जाता था सीधा मतलब आप कह सकते हो तो जेल में डाल दिया जाता था तो ऐसा कोई लॉ नहीं था कि पेनल्टी ले लो और माफ कर दो जैसे आज के टाइम में पेनल्टी ले लेते ले हैं ले ले ले, माफ कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं था तो ट्रिकम दास को बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ने मतलब चेकिंग वाले ने क्या बोला कि काम करो मैं तुम्हें कोर्ट में नहीं लेके जाऊंगा मुझे पांच रुपए दे दो उस टाइम के पांच रूपए बहुत बड़ी बात है है ना तो अब त्रिकम दास ने तब का अमाउंट पे कर दिया पर बाद में उसने केस फाइल कर दिया कि भैया मुझसे जबरदस्ती कोवर्जन डरा के पांच रूपए नहीं दिए तो कोर्ट में जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह हमसे पैसे निकलवाए हैं तो जज साहब ने यही बोला कि हाँ ये वोजे कॉन्ट्रैक्ट बनता है बॉम्बे वाले को बॉम्बे म्यूनिपल कॉर्पोरेशन को त्रिकम दास को पेनल्टी का अमाउंट वापस करना पड़ेगा पर आप क्या बताओ क्या ट्रिकम दास पे यहाँ पे वो जो प्रोसीडिंग्स है वो चली होंगी विदाउट टिकट सफर करने के लिए जी हाँ राइट वो अलग बात है पर स से जो जबरदस्ती पैसे वसूले गए थे वो वो रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं द सूट वॉज डिक्रीड मतलब ऑर्डर्ड इन हिज फेवर हिज मतलब त्रिकम दास के फेवर में फैसला सुनाया गया क्लियर चलिए तो ये थे बच्चों आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी केस लॉज मेक श्योर आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है अंदर का फैक्ट आपको याद नहीं करना है क्राइम नहीं करना है सिर्फ समझना है ठीक है कि के इस केस लॉ में ऐसा ऐसा हुआ था ताकि वहाँ पे सिमिलर सिचुएशन आए तो आप केस लॉ को वहाँ पे मेंशन कर पाओ राइट तो आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी अगर आपको ये तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉस डिस्कस करें अगर आपको कंपनीज एक्ट की भी केस लॉस चाहिए हैं तो आप लोग परफेक्ट रिविजन बुक ऑर्डर कर सकते हो बच्चों हमारी परफेक्ट रिविजन बुक में आपको पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी केसेस मिल जाएंगे और कंपनीज एक्ट के भी केसेस मिल जाएंगे साथ के साथ परफेक्ट रिविजन बुक से रिविजन करना तो बहुत ईजी है ही इतना कंसाइज है कि आराम से पूरे दो घंटे में मतलब दो घंटे भी मैं ज्यादा कह रही हूँ आप इजिली लॉ अपना पूरा रिवाइज कर सकते हो मास्टर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो एंड डे पे आपको प्रैक्टिस करने होंगे ठीक है तो अगर आप पीआर बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ट्रिपल एट ट्रिपल एट जीरो फोर जीरो टू पे कांटेक्ट कर सकते हो ठीक है नहीं तो हम पीआर बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, दे देंगे वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको पीआर बुक ऑर्डर करना है क्लियर तो आई होप ये सारे केसेस आपको क्लियर हैं पी बुक के बारे में आपको क्लियर है तो ये थे बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉस अब हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के केस लॉस राइट आइए सबसे पहला है आपका सेलोमन वर्सेज सेलोमन सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की कंपनी अपने मेंबर्स से अलग होती है ये सब किसमें डिसाइड हुआ था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस लॉ में हुआ क्या था कि सलोमन ने अपना बिजनेस बेच दिया था ठीक है सलोमन अपना बिजनेस करता था एक उसने एक सलोमन एंड कंपनी नाम की कंपनी बताई बनाई और अपना बिजनेस इसको बेच दिया राइट बदले में उसने 20000 तो शेयर्स लिए हैं और कुछ डिबेंचर लिए हैं दस हजार रुपए के और जो डिबेंचर है वो सिक्योर्ड है सिक्योर्ड डिवेंचर लिए हैं उसने बदले में और अपनी वाइफ को और बेटी को और चार बेटों को उसने एक एक शेयर दिलवा दिया तो ट्वेंटी थाउजेंड खुद ले लिए बाकी के फैमिली मेंबर को दिलवा दिए राइट ऑल अदर शेयर होल्डर सब्सक्राइब फॉर वन शेयर ऑफ हंड्रेड एच वन शेयर ऑफ रुपीज वन कंपनी इन हो जाती है उसके बाद ना कंपनी ज्यादा चल नहीं पाती कंपनी बंद हो जाती है वाइंड अप होने का प्रोसेस चालू हो जाता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो, होता है ना बच्चों तो सबसे पहले जितने भी कंपनी के पास एसेट्स होते हैं उनमें से सिक्योर्ड डेट पे किया जाता है तो जब कंपनी का वाइंड अप चल रहा था तो देखा गया कि कंपनी के पास एसेट्स हैं सिर्फ ₹6050 के लेकिन कंपनी के पास दस हजार रूपए के तो डिबेंचर का मतलब का का ही लोन था ठीक है तो डिबेंचर के पैसे लौटाने थे और हजार के कुछ और क्रेडिटर्स भी थे वो लौटाने थे तो अब छह हजार पचास के जो एसेट्स हैं तो सबसे पहले उसे सिक्योर डिबेंचर के लिए यूज किया जाएगा दस हजार के सिक्योर डिबेंचर है तो सारा पैसा तो यहीं पे चला जाएगा तो क्रेडिटर्स ने कहा अरे भाई डिबेंचर्स भी सलोमन के कंपनी भी सलोमन की आप सारा पैसा सलोमन को ही दे रहे हो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्रेडिटर्स लड़ते लड़ते कोर्ट में गए तो जज साहब ने कहा कि भाई सलोमन अलग है और सलोमन की कंपनी अलग है सेलोमन कंपनी का क्रेडिटर है और क्रेडिटर होने के नाते और वो भी सिक्योर क्रेडिटर होने के नाते उसका पहले हक बनता है कंपनी के एसेट्स में तो वो कंपनी के एसेट्स छह हजार पचास के एसेट क्लेम कर सकता है राइट right? आप ये नहीं कह सकते कंपनी भी सलोमन की और सैलोमन ही पैसे ले रहा है नो no. लॉ की नजर में कंपनी अलग कंपनी का मालिक अलग ठीक है तो सैलोमन ने अपना बिजनेस बेच दिया थार्टी थाउजेंड का एक कंपनी को एक कंपनी बनाई और उसमें अपना बिजनेस बेच दिया कंपनी के ओनर्स कौन थे वो खुद था अपनी उसकी वाइफ थी बेटी थी और चार बेटे थे उसने बदले में ट्वेंटी थाउजेंड शेयर लिए और कुछ डिबेंचर लिए थर्टी थाउंड टेन थाउजेंड डिबेंचर हो गया ना थर्टी थाउजेंड ठीक है है, है है। जो थे थे थे? थे। वो थे। सारे सारे ने एक-एक लिया था बाकी के सारे किस के किसके पास थे? सेलमन के पास हो 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 जाती है, हो जाती कंगाल और वाइंडिंग अप को बंद करने का चालू हो जाता है। जब हम कंपनी को बंद कर रहे थे तो कंपनी के टोटल थे रूपए के लाइबिलिटी थी टेन की जो कि सिक्योर्ड थी डिबेंचर्स थे और आठ हजार के और क्रेडिटर्स भी थे सिक्योर्ड क्रेडिट अनसिक्योर्ड जो बाकी के क्रेडिटर्स थे आठ हजार के वो कह रहे थे कि भैया पैसा तो मुझे मिलना चाहिए भाई कंपनी में सलमन की है सलमन को यह आप पैसा दोगे तो गलत बात है हमें पैसा मिलना चाहिए क्योंकि कंपनी सलमन का ही एक एजेंट थी तो सलमन को पैसा नहीं मिलना चाहिए डिसाइड किया गया कि ट्रेड क्रेडिटर्स जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं बिकॉज कंपनी बींग इन लॉ अ पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर ठीक है कंपनी अपने ओनर से बिल्कुल अलग होती है सलमान और सलमान की कंपनी एक ही आप ऐसा नहीं कह सकते राइट चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे केस पे जो कि है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग ली वर्सेस लीज फार्मिंग कंपनी लिमिटेड ये भी सेम यही बताती है कि कंपनी अलग कंपनी का ओनर अलग ठीक है हुआ यह था कि ली एक क्वालिफाइड पायलट था उसने कंपनी बनाई ली एयर फार्मिंग लिमिटेड जिसमें वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और वो अपने आप को चीफ पायलट एज एन एम्प्लॉई मतलब अपॉइंट कर लेता है उस कंपनी में जब वो कंपनी का, का काम कर रहा था ठीक है प्लेन व्लेन उड़ाने का काम कर रहा था तो उसकी जान चली जाती है उसकी जो विडो है उसकी जो विधवा है उसकी जो वाइफ है वो क्लेम करती है कॉम्पनसेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सनल इंजरीज ड्यू टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कहती है कि काम करने के दौरान ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तो मुझे इसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि नहीं आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता क्योंकि कंपनी और ली एक ही थे कंपनी का नाम था लीज एयर फार्मिंग कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि कंपनी और ली तो एक ही है तो आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा <coughs> तो अगेन कोर्ट ने ये कहा कि ली अलग ली की कंपनी अलग तो ली की वाइफ जो कि ली के बिहाफ पे कंपनसेशन मांग रही है ली एक एम्प्लॉय था एक अलग पहचान थी उसकी तो उसे वो कंपनसेशन मिलना चाहिए द कोर्ट हेल्ड मतलब कोर्ट डिसाइड डिसाइडेड दैट ली वाज अ सेपरेट पर्सन जिसकी अलग पहचान है कंपनी से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कंपनी और ली uh, के बीच में हुआ था दोनों अलग-अलग लोग हैं व्हिच uh, uh, जहां पे ली एक चीफ पायलट की तरह काम कर रहा था कंपनी का सर्वेंट था तो ली का कितना कंट्रोल था कंपनी पे ये बात हम ध्यान में नहीं रखेंगे हम बोलेंगे की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन ली एंड कंपनी तो ली को एक वर्कर एक एम्प्लॉय की तरह देखा जाएगा और जैसे बाकी एम्प्लॉज के लिए कॉम्पनसेशन की स्कीम है तो वही ली के लिए भी एप्लीकेबल होगी और ली की वाइफ को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए राइट right? तो यह आपका ली वर्सेज ली ए फार्मिंग यहाँ पे भी यही बोला है कि कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स राइट चलिए नेक्स्ट केस लॉ देखते हैं नेक्स्ट केस लॉ आपका सर दिनशो शो मैनेजी पेटिट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का केस लॉ है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कॉर्पोरेट व्हील कहता है कि कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में एक पर्दा है जो कंपनी के डेट से शेयर होल्डर्स को बचाता है कंपनी का डेट कंपनी का कंपनी का ही है शेयर होल्डर्स को उसमें कुछ भी पे नहीं करना ठीक है पर हाँ कुछ सिचुएशन में ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर दी जाती है जैसे अगर एक पर्सन कंपनी बनाता है जस्ट अपनी इनकम को कम करने के लिए अपने टैक्स की लाइबिलिटी को छुपाने के लिए इन दैट केस हम कंपनी और कंपनी के मालिक को अलग अलग नहीं मानेंगे एक ही मानेंगे हुआ क्या था की जो दिनशो जी थे एस एस सी मतलब जिसका टैक्स कैलकुलेट होता है उसमें एस एस सी बोलते हैं तो जो दिनशो है वो बहुत ही मोटी इनकम कमा रहे थे डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में तो उन्होंने क्या किया चार कंपनियां बनाई और अपने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से तो डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा होगा अपने इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में लगा दी और कंपनियों के शेयर खरीद लिए आप जो भी इनकम आती थी, थी डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में वो आप कंपनी के पास आती थी, थी और दिनशो जी उन कंपनियों से लोन उठा लेते थे, थे और कभी वापस नहीं करते थे प्रिटेंडेड लोन नकली लोन उठा लेते थे, थे और वापस नहीं करते थे तो दिनशो को कम पैसा भी मिल जाता था और टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था तो डिसाइड किया गया कि कंपनी बनाई गई थी जस्ट एक एंटीटी बनाई गई थी डिविडेंड लेने के लिए इंटरेस्ट लेने के लिए और उसके थ्रू दिन को पैसा मिल जाए इसीलिए क्यों क्योंकि वो टैक्स इसीलिएिटी को अवॉइड करना चाहते थे इन दिस केस कंपनी को को और को हम एक ही मानेंगे कंपनी के पास जो भी इनकम आ रही है उस पर दिनशो ही टैक्स देंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस केस लो लो भी आपका मेकोरा वर्सेज नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये भी कहीं ना कहीं आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी पे बेस्ड है कंपनी की अलग पहचान होती है कंपनी के ओनर्स का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता कंपनी के जो मालिक होते हैं वो तो कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे इंश्योर भी नहीं करा सकते हुआ क्या था कि एक टिम्बर का टिम्बर बिजनेस के मालिक ने एक कंपनी बनाई और उसमें अपना टिम्बर का बिजनेस बेच दिया ठीक है इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर मेकोरा था मेकोरा कौन जो पहले टिम्बर का बिजनेस कर रहा था और जिसने अब कंपनी बनाई है तो वही कंपनी का मेजर शेयर होल्डर था राइट right? अब उसने क्या किया उसने जो ये टिम्बर कंपनी में दिया था इस टिम्बर को अपने नाम पे इंश्योर करवा लिया मैं कौरा ने एक ही तो बात है मैं कराऊ कंपनी इंश्योर करा एक ही बात है तो मैं ने अपने नाम पे टिम्बर को इंश्योर करवा लिया उसके बाद टिम्बर को आग लग जाती है तो मैं मैकोरा जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मुझे पैसा दो तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है आपको पैसा नहीं मिलेगा टिम्बर कंपनी का था क्योंकि आपने पूरा बिजनेस कंपनी में दे दिया था तो आप उसे अपने नाम पे इंश्योर कैसे करा सकते हो अगर ये कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस होता तो पैसे मिलता अब मैं मैकोरा के नाम पे इंश्योरेंस है तो कोई पैसा नहीं मिलेगा राइट तो क्या बताया गया कि कंपनी के मेंबर्स का शेयर होल्डर्स का कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता द ओनर ऑफ द टिम्बर एस्टेट सोल्ड द टिम्बर टू अ कंपनी इन एक्सचेंज फॉर स्टॉक मतलब शेयर्स द कंपनी एज अ रिजल्ट ही द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द दर कंपनी और कंपनी के, के भी था उसने अपना स्टॉक भी दिया था और कंपनी से शेयर्स भी ले लिए थे तो वो शेयर होल्डर भी था और कंपनी का क्रेडेटर भी था उसने कंपनी उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पे करवा ली मतलब टिम्बर को अपने नाम पे इंश्योर करवा लिया जब टिम्बर डिस्ट्रॉय हुआ तो उसने बोला कि भैया कंपनी मुझे क्लेम दो बट कंपनी ने क्लेम रिफ्यूज कर दिया क्यों क्योंकि कंपनी एक कंपनी का ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी पे सिंस द इंश्योर्ड पार्टी इंश्योर्ड पार्टी मतलब सिंस सिंस जो आपका ओनर था कंपनी का उसका कोई भी कंपनी के प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट नहीं था टेम्पर में कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई राइट नहीं था तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जो जो ओनर है मेकोरा है उसे कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा ठीक है

एक्चुअली एक गिलफर्ड मोटर के यहाँ पे जॉब करी जब वो गिलफर्ड मोटर के यहाँ पे जॉब कर रहे थे तो एक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने साइन करी थी कि जब वो कंपनी को छोड़ेंगे तो कोई भी कंपनी का कस्टमर को वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन किया था कि भाई वो कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट यानी कि अट्रैक्ट नहीं करेंगे जॉब छोड़ने के बाद बाद में उन्होंने गिलफर्ड छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी चालू करी और ये देखा गया कि वो कंपनी को अप्रोच कर वो कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए तो गिलफर्ड ने गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड ने हॉर्ने को स्यू कर दिया प्रॉमिस तोड़ने के लिए हॉर्ने ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया कंपनी ने किया मैं अलग कंपनी अलग ठीक है तो उसने बोला कंपनी लायबल है क्यों कंपनी लायबल नहीं है क्योंकि कंपनी ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं मैं लायबल होता मैं तो लेकिन ये काम कर ही नहीं रहा कंपनी काम कर रही है तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी वाज मेयर शैम कंपनी तो सिर्फ एक धोखा था ठीक है कंपनी बनाई ही इसीलिए गई थी कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए और ग्रांट किया कोर्ट ने इंजेक्शन ऑर्डर से ऑर्डर कंपनी को बोला कि ऐसा मत करो ठीक है तो गिल, आ, मतलब होने पे भी और हॉर्डे की कंपनी पे दोनों पे शॉर्टर लगाया गया बोला गया कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते तो बेसिकली इस केस का इम्पोर्टेंस ये था कि जब भी एक कंपनी कुछ ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए बनाई जाती है तो हम कंपनी के पीछे देखते हैं कि लोग कौन है ठीक है कोर्ट विल वेंट बिहाइंड व्हील ऑफ इन कारपोरेशन इनकेस फॉर्म टू इवेट सर्टेनिगेशन अगर कंपनी आपके कोई अब्लिगेशन जिम्मेदारी अवॉइड करने के लिए बनाई है तो कोर्ट कंपनी के पर्दे के पीछे भी देखेगा कि कौन से शेयर होल्डर्स है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर उनको पकड़ेगा राइट right? यहाँ पे हॉर्ने ने चालाकी से एक कंपनी बनाई थी जिससे वो गुलफर्ट के कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा था तो कोर्ट हॉर्ने की कंपनी के पीछे देख रही है कि ये तो हॉर्ने ही है और फिर उनको पकड़ा और बोला कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते राइट right, मूव करते हैं नेक्स्ट केस केस लॉ लॉ पे नंबर 19 डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड ये भी आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का केस है जहां पे एक कंपनी एनिमी है या दोस्त है ये जानने के लिए कोर्ट जो है वो लिफ्ट करती है कॉर्पोरेट व्हील को डेमलर तो कंपनी है और एक कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी है कंपनी जो है वो इंग्लैंड में बनी है लेकिन उसके सारे के सारे ओनर्स कहां के हैं जर्मनी के ओनर सारे सारे जर्मनी के हैं काम क्या है इनका इनका काम यह है, का है कि जर्मनी से टायर्स लाती है और इंग्लैंड में बेचती है एक और कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर

आपके सारे ओनर्स जर्मनी के हैं तो आप भी मेरे लिए तो जर्मन कंपनी हुई भले ही आप इंग्लैंड में बने हो तो डेमलर कहता हैं ऐसा कैसे और वो कोर्ट में जाता है अपना पैसे मांगने तो जज साहब भी यही कहते हैं कि अब हम कंपनी दोस्त है कि दुश्मन ये देखने के लिए क्या करेंगे ओनर्स को देखेंगे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे तो यहाँ कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करी गई देखा गया कि डेमलर के तो सारे ओनर्स जर्मन हैं और जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर चढ़ा हुआ है ये दोनों एलियन एनिमी हैं तो बोला गया कि जब तक वॉर चल रहा है डेमलर को डेम्लर कैन नॉट रिकवर अमाउंट फ्रॉम कॉन्टिनेंटल राइट आइए तो एक कंपनी बनी थी आपकी इंग्लैंड में फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग बाय जर्मन कंपनी बाय जर्मन कंपनी तो जर्मन कंपनी से टायर्स खरीद के और इंग्लैंड में बेचने का काम था जो कंपनी इंग्लैंड में बनी थी उसके सारे डायरेक्टर, सारे ओनर्स जर्मन थे एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वर्मन रेजिडेंट सारे शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट सारे रेजिडेंट जर्मन के ही थे जब वर्ल्ड वॉर हुआ विद द इंग्लैंड द इंग्लिश कंपनी टू रिकवर द ट्रेड डेट इंग्लिश कंपनी मतलब इंग्लैंड की जो कंपनी डेमलर इंग्लैंड की तो कंपनी थी तो डेमलर ने सू करा कॉन्टिनेंटल को अपना डेट रिकवर करने के लिए उस टाइम जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर चल रहा था डिसाइड हुआ कि डेमलर एलियन एनिमी है कॉन्टिनेंटल के लिए इसलिए डेमलर अपना डेट रिकवर नहीं कर सकती ठीक है ड्यूरिंग द वॉर आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फील्ड का ही केस लॉ है यहाँ पे भी कॉर्पोरेट फ्लिफ्ट करी जाती है क्योंकि यहाँ पे कंपनी बनाई गई थी बोनस को अवॉइड करने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए हुआ क्या था कि कंपनी फॉर्म करी गई थी ताकि वहाँ पे अपना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाए जो अब उनको इन्वेस्टमेंट से हो रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों पे डाल दी थी और बोनस ना देना पड़े राइट तो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो थी उसने बहुत सारी कंपनियाँ बनाई और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दी तो अब जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आता था वो इन कंपनियों में आता था एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री में नहीं आ रहा था तो इस वजह से उनको बोनस भी नहीं देना पड़ रहा था राइट तो अभी कोर्ट ने बोला कि भैया आपने कंपनी बनाई है जस्ट अपनी इनकम ट्रांसफर करने के लिए कि आपको बोनस ना देना पड़े हैंस कंपनियों को और आपको मतलब इन कंपनियों के शेयर होल्डर एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो इन कंपनियों को और कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक ही मानेंगे हम राइट तो कंपनी को जो भी इनकम हो रही है माना जाएगा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री को ही इनकम हो रही है और उस पर बोनस देना पड़ेगा तो जहाँ पे ये देखा गया था कि कंपनी बनाने का मेन पर्पस ये था कि उसको एक टूल की तरफ यूज़ कर सको ताकि अमाउंट ऑफ बोनस कम किया जा सके तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉर्पोरेट वी लिफ्ट करी जाएगी या पीअर्स पीअर्स करी जाएगी रियल ट्रांजेक्शन को देखने के लिए ठीक है यानी कि जो कंपनीज आपने बनाई हैं कंपनी को और एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री को हम एक ही मान के चलेंगे जो कंपनियों में इनकम हो रही है माना जाएगा एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री में इनकम हो रही है और कोर्ट ने बोला कि भैया इस पे बोनस दो राइट चले नेक्स्ट है ट्वेंटी वन एशपरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रेशी डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रावायरस पे बेस्ड है ये ठीक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसे पहले डॉक्टरीन ऑफ अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट इसी केस लॉ से आया था हुआ यह था कि एशबरी रेलवे कैरियज का काम क्या था वेगन्स को मतलब जो रेलवे के डब्बे वगैरह होते हैं इंजन वगैरह होते हैं उनको बनाना बेचना या किराए पे देना ठीक है या मैकेनिकल इंजीनियर्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पे भी वो काम कर पाते थे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा रिचे के साथ टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन अब फाइनेंस कर पाएंगे मतलब कंस्ट्रक्ट रेलवे लाइन के लिए पैसा दे पाएंगे फाइनेंस दे पाएंगे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा लेकिन रिचे ने रेलवे लाइन डालनी थी तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि ठीक है हम फाइनेंस करेंगे बाद में कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया इस बेसिस की अल्ट्रा वायरस है रिचे ने बोला नहीं नहीं अल्ट्रा वायरस नहीं है जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आप ये काम कर सकते हो ठीक है तो रिचे ने स्यूट फाइल किया कंपनी के ऊपर और क्लेम करे डैमेजेस उसका प्ली था उसका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट जनरल जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आता है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है डिसाइड यह किया गया कि ये काम अल्ट्रा वायरस है

अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आता है कोई भी तो आप ऐश्वरी रेलवे कैरियर एंड एड कंपनी लिमिटेड जरूर मैंशन करेंगे राइट चलिए नेक्स्ट आपका ट्वेंटी सेकेंड केस लो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस चरकवेंड आपने सुना ही होगा बहुत बार सुना होगा डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस चरकवेंड केस से ही आया था अब हमने बोला है कि भाई आप एम ओ एओए पढ़ के आओ नहीं पढ़ के आओगे और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये ट्रांजेक्शन अल्ट्रावायरस माने जाएगी कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी अब कंपनी क्या करती थी चालू बनती करती थी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी पर इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने लोन तो ले लिया पर लोन ले सकता था डायरेक्टर जब उसे अप्रूवल मिली हो मीटिंग में अब बाहर वाले को ये बात कैसे पता लगेगी अप्रूवल मिली है कि नहीं मिली है ठीक है एमओए में लिखा था कि डायरेक्टर लोन ले सकता है अगर अप्रूवल मिली है तो तो बाहर वाले को लगा कि की अप्रूवल ले ली होगी तभी डायरेक्टर लोन लेने आये तो जो रॉयल ब्रिटिश बैंक था उसने कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे दिया टर्कुन कंपनी के नाम पे पर बाद में पता चलता है कि मीटिंग में अप्रूवल दी ही नहीं गई थी कितना अमाउंट डायरेक्टर बोरो करता है कर सकता है इतना तो डिसाइड कुछ हुआ ही नहीं था तो कंपनी कहती है कि क्योंकि हमने अप्रूवल नहीं दी थी इसलिए ट्रांजेक्शन वॉइड है पर कोर्ट कहता है कि नहीं आपने अप्रूवल नहीं दी आपकी इंटरनल फॉर्मेलिटीज की कमी है बाहर वाले को इतना पता था कि डायरेक्टर लोन ले सकता है अगर अप्रूवल अप्रूवल मिलेगी तो तो अगर उसने डायरेक्टर को लोन दे दिया तो ये वैलिड है उसे इंटरनल मैटर इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है कि इंटरनल फॉर्मेलिटी पूरी हुई है कि नहीं हुई है अगर एमओए में लिखा डायरेक्टर लोन ले सकता है तो डायरेक्टर लोन ले सकता है इंटरनल फॉर्मेलिटी देखना कंपनी का काम है ट्रांजेक्शन वॉइड नहीं है ये ट्रांजेक्शन वैलिड है राइट तो इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि आउटसाइडर को कंपनी के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है एमओए देखो काम वाले दिखता है कर लो ठीक है आइए तो मिस्टर टर्क जो थे वो मैनेजर थे ऑफ द कैमर कोल ब्रुक सीमेंट स्टीम कोल एंड ये सब कंपनी का नाम है वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली वो कंपनी थी कंपनी ने बॉन्ड दिया था रॉयल ब्रिटिश बैंक को जिस पे कंपनी के ड्राइंग्स में सिक्योरिटी बेसिकली कंपनी ने पहले लोन लिया और बॉन्ड लिख के दिया बॉन्ड पे प्रॉपर साइन था सील था स्टैम्प था दो डायरेक्टर सेक्रेटरी के साइन भी थे जब रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी को बोला कि मेरा पैसा दो तो कंपनी ने बोला कि डायरेक्टर्स को तो पावर तभी होती है बॉन्ड देने की या लोन लेने की अगर हमने मीटिंग में रेजोल्यूशंस होने पावर दी हो

Hence, the court said that Royal British Bank was liable for the bond because Turquand was entitled to assume. Is this correct? Karlo. The Turquand was liable for the bond because Royal British Bank was entitled to assume. The, re the resolution of the company in its general meeting has been passed. टर्कवेंट लाइबल होगा को पे करना पड़ेगा रॉयल ब्रिटिश बैंक ने लोन दिया है बॉन्ड साइन करवाया है तो वो ये अज्यूम कर सकता है कि वे अंदर की फॉर्मेलिटी तो आपने पूरी कर ही ली होगी राइट इसका इतना बड़ा कहानी आपको याद नहीं करना है याद सिर्फ और सिर्फ केस का नाम करना है और केस में क्या फैक्ट्स थे वो आपको याद करने हैं जैसा अगर मैं समराइज करूं तो फैक्ट ये थे कि कंपनी डायरेक्टर थे टर्कवेंट उन्होंने रॉयल ब्रिटिश बैंक से लोन लिया बदले में बॉन्ड लिख के दिया बॉन्ड दिया टू थाउजेंड पॉन्स का जब वो बैंक ने अपना लोन का पैसा मांगा तो उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने बॉन्ड को यूज करना चाहा जब उन्होंने बॉन्ड को यूज करना चाहा तो कंपनी ने बोला नहीं नहीं इस बॉन्ड पे हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने इंटरनली कभी डायरेक्टर को पावर ही नहीं दी कि ऐसा बॉन्ड आप इश्यू करो जबकि एमओ में लिखा था कि डायरेक्टर बॉन्ड इशू कर सकता है अगर पावर मिले तो तो अब फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या इंटरनली ये देखने की जरूरत है कि भैया डायरेक्टर को पावर मिली है कि नहीं मिली है तो कोर्ट ने कहा नहीं और तब आया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट के आउटसाइडर को कंपनी के अंदर देखने की जरूरत नहीं है अगर आउटसाइडर ने एमओ में देख लिया है कि हाँ वो लोन ले सकता है तो ले सकता है बॉन्ड सेंड कर सकता है तो कर सकता है अब आपने पावर दी अंदर अंदर या नहीं दी वो बाहर वाले को चेक नहीं करना राइट चलो नेक्स्ट है ट्वेंटी आपका केस लॉ रो वर्सेज ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड इसमें आपको बताया है कि भैया टर्को एंड रूल कब अप्लाई नहीं होगा तो फॉर्जरी केस में जहाँ पे नकली साइन हुए टर्को एंड रूल अप्लाई नहीं होगा ये इसी केस लॉ से आया था हुआ ये था कि एक पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया था जिस जिसपे कंपनी की सील लगी थी दो डायरेक्टर के सिग्नेचर भी, तो भी थे सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी थे ठीक है सेक्रेटरी ने साइन कर दिया था सर्टिफिकेट अपने नाम का भी और डायरेक्टर्स के भी डायरेक्टर का भी साइन सेक्रेटरी ने नकली मार दिए होल्डर ने कहा कि भाई मेरे को तो फॉर्जरी का पता ही नहीं था मुझे तो इंडोर मैनेजमेंट का पता ही नहीं था तो भैया ये तो फिर मेरा सर्टिफिकेट वैलिड हो गया ऐसा तो लिखा हुआ है ना कि अंदर फॉर्मेलिटी मेरे को देखने की जरूरत नहीं है तो फिर कोर्ट ने कहा कि भैया देखो हमारा कभी भी ये नहीं था कि फॉर्जरी को इसमें इंक्लूड करे इंटरनल फॉर्मेलिटी में अप्रूवल में परमिशन में पेपर वर्क की कमी है तो ठीक है पर अगर फॉर्जरी हुई है तो उस पर आप डॉक्टर ऑफ इंटर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्जरी इज नल एंड वर्ड तो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो नल एंड वर्ड है इससे आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेंगे तो बेसिकली जो इंडोर मैनेजमेंट का रूल है वो फॉर्जरी में अप्लाई नहीं होगा राइट चलिए नेक्स्ट आपका ट्वेंटी फोर्थ केस लो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ये आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील से बिलोंग करता है जहां पे आपने कंपनी बनाई है जस्ट फॉर एक्टिंग एज द एजेंट आप एक कंपनी थी मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ठीक है पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस चाहिए होता था तो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने अपने जितने भी अप, अ, मतलब अलाउड नंबर ऑफ लाइसेंसेज हैं वो ले लिए थे तो ये ना और लाइसेंस नहीं मिल रहा था तो इसने ना एक कंपनी बनाई और अब उस कंपनी से कंपनी के नाम से लाइसेंस उठाता था और खुद काम करता था तो कोर्ट ने देखा कि भाई कंपनी बनाई है लेकिन क्यों बनाई है जस्ट लाइसेंस लेने के लिए जो काम खुद नहीं कर सकती है मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वो काम करने के लिए तो कंपनी का तो पर्पज़ है ही नहीं और आपने तो लीगल पर्पज ही डिफीट कर लिया भाई कानून क्यों बनाया था कि एक कंपनी को लिमिटेड लाइसेंस मिले ऐसे तो आप कंपनियां बनाते जाओगे और अनलिमिटेड लाइसेंस लेते जाओगे तो इन दिस केस आल्सो कॉर्पोरेट भी लिफ्ट करी जाएगी जो मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने अपनी एक और कंपनी बनाई है उसे और मर्केंडाइज को एक ही माना जाएगा तो अगर मर्केंटाइज को लाइसेंस अलाउड नहीं है तो उस कंपनी को भी लाइसेंस अलाउड नहीं होगा कोई ऑलरेडी लाइसेंस मिल गया होगा तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है इन मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस लेना था अपने व्हीकल के लिए पर वो नहीं ले सकती थी अपने नाम पे तो उसने एक कंपनी बनाई सब्सिडरी कंपनी अपनी और अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया व्हीकल सब्सिडरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाते थे ठीक है व्हीकल वल ट्रांसफर टू तो द सब्सिडरी कंपनी उसने सब्सिडरी कंपनी के लिए मतलब बेसिकली सब्सिडरी कंपनी के थ्रू वो लाइसेंस को यूज़ कर रही थी डिसाइड किया गया कि पेरेंट कंपनी और जो तो सब्सिडरी कंपनी एक ही है और जो एप्लीकेशन थी लाइसेंस की वो रिजेक्ट कर दी ठीक है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे ट्वेंटी फिफ्थ केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद बिहारी लाल वर्सेज इंश्योरेंस कंपनी इसने बोला है कि आपको अगर सिचुएशन सस्पीशस लगती है अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है जिस पर डाउट होना लाजमी है और अगर आपने बिहेव किया आपने कोई भी आ, कहते हैं कि नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आप ये नहीं कह सकते हो मुझे तो इंटरनल फॉर्मेलिटी पता ही नहीं थी हुआ क्या था एक दिन शो एंड कंपनी है उसके अकाउंटेंट ने कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा आनंद बिहारी के साथ अब एक बात बताओ क्या कंपनी के अकाउंटेंट कंपनी की प्रॉपर्टी बेच सकता है नहीं ये तो टॉप मैनेजमेंट का काम है या फिर टॉप मैनेजमेंट ने अकाउंटेंट को कोई लेटर दिया हो पावर ऑफ अटोर् दिया हो तो अकाउंटेंट बेच पाएगा तो क्या आनंद बिहारी को अकाउंटेंट का जो लेटर है या पावर ऑफ अटोनी है वो चेक नहीं करनी चाहिए थी करनी चाहिए थी ना तो डाउटफुल सिचुएशन है तो खुद ही केयरफुल रहना चाहिए पर आनंद बिहारी ने अकाउंटेंट के साथ वो ट्रांजेक्शन कर ली और बाद में ऑब्वियसली अकाउंटेंट के पास तो पेपर थे ही नहीं पावर थी नहीं तो अकाउंटेंट प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं कर पाया तो आनंद बिहारी ने सीधा कंपनी पे केस कर दिया कंपनी ने कहा भैया आपको खुद चौकन्ना रहना चाहिए था ऐसी सिचुएशन है कि डाउट किसी को भी हो जाए आपको क्या डाउट नहीं हुआ आपको खुद कम से कम इंक्वायरी तो करते कि कंपनी एक्चुअली में अपने अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहती है कि नहीं बेचना चाहती तो अब अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो अब आपको इंडोर मैनेजमेंट का क्लेम नहीं मिलेगा आप ये नहीं कह सकते भैया हमें तो पता ही नहीं था अकाउंटेंट को पावर है कि नहीं है एटलीस्ट आपको चेक तो करना चाहिए था राइट तो आपने आपनेग्लीजेंटली बिहेव किया है नेग्लीजेंटली बिहेव किया है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप इंडोर मैनेजमेंट क्लेम करो इन द केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेज इंसुरंट कंपनी प्लेटिव प्लेंटिव कौन आनंद बिहारी लाल ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अकाउंटेंट के साथ कोर्ट ने कहा कि प्लेन्टिव को एटलीस्ट कॉपी ऑफ पावर ऑफ फटौनी लेनी चाहिए थी ये चेक करने के लिए कि अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है कि नहीं तो ट्रांसफर वर्ड माना जाएगा ये नहीं बोल सकता आनंद बिहारी लाल की मुझे इंटरनल फॉर्मेलिटी नहीं पता थी इंडोर मैनेजमेंट चाहिए मुझे क्योंकि सस्पिशियस सिचुएशन में इंक्वायरी करनी होती है इंक्वायरी नहीं करते तो बाहर वाले को आउटसाइडर को कोई रिलीफ नहीं मिलता ठीक है तो ये ट्रांजेक्शन वॉइड है क्योंकि ने नेग्लीजेंस करी सिचुएशन सस्पिशियस थी अकाउंटेंट की अथॉरिटी ऐसी ट्रांजेक्शन पे जनरली होती ही नहीं है तो एटलीस्ट उसे चेक करना चाहिए था चेक नहीं किया सस्पिशियस सिचुएशन में नेग्लीजेंटली बिहेव किया इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा राइट right? तो ये है आपके टॉप ट्वेंटी फाइव केस लॉस जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करेंगे और बेटा ये पूरा मटेरियल आपको हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक में भी मिल जाएगा तो आप लोग परफेक्ट रिवीजन बुक अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ट्रिपल एट ट्रिपल एट जीरो फोर जीरो टू पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप परफेक्ट रिवीजन बुक ऑर्डर कर सकते हो इसके अलावा एक चीज और मैं बता देती हूँ हमारे मैराथन सेशन होने वाले हैं बारह तेरह चौदह पंद्रह को जून में ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जून तो आप वो मैराथॉन सेशन जरूर अटेंड करिएगा चारों सब्जेक्ट्स के फुल कोर्स रिवीजन हम लोग कराएंगे इन अ सिंगल डे एक दिन एक सब्जेक्ट एक दिन दूसरा सब्जेक्ट ऐसे करके चारों दिन में चारों सब्जेक्ट्स की आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी तो मेक श्योर sure अपने कैलेंडर में आप डेट्स बुक कर ले ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जैसा मैं कहूँ लॉ का मैराथन होने वाला है फिफ्टीन को तो इन चार दिनों में चारों सब्जेक्ट के मैराथॉन्स होंगे Sure ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगी होगी वीडियो को लाइक करेंगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आज का सेशन में यहीं एंड करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच जय श्री